So let's start our section 51, advance money forfeited. So what's the background of this particular section? So this was also a tax evasion possible before amendment into this particular section. And this tax evasion used to happen majorly in Maharashtra, Gujarat, Rajasthan. These are the states where these particular sections were getting manipulated to the extreme level. So kya hota tha? अपने मुंबई में आपने सुना होगा कि अगर कोई भी आपको प्रॉपर्टी लेनी है, इमेजिन दिस इज अ प्रॉपर्टी यू विजिटेड, तो आज आप मतलब प्रॉपर्टी परचेस नहीं करते. आज आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगी बट यू डोंट बाय द प्रॉपर्टी, बिकॉज टू परचेस प्रॉपर्टी यू नीड टू गेट सर्टन मोर थिंग्स डन. जैसे आपको तो प्रॉपर्टी अच्छी लगी लेकिन यू नीड टू शो इट टू योर वाइफ, ठीक है ना? तो वाइफ शायद रिजेक्ट कर दे प्रॉपर्टी, वाइफ ने भी अप्रूव कर दिया तो यू नीड टू शो टू द रेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, और दो दे डोंट हैव टू टेक एनी डिसीजन बट स्टिल दे नीड टू विजिट द प्रॉपर्टी. देन सम पीपल हु बिलीव इन वास्तुशास्त्र, दे विल ब्रिंग द वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट एंड देन दे विल गेट अप्रूवल फ्रॉम वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट. सम पीपल बिलीव इन लीगल एस्पेक्ट, सो दे विल चेक द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है ना? तो लीगल वास्तु अगेन एंड किसको बोलू, माइक चालू है किसी का तो माइक चालू है, पूजा पांडा तेरा ही माइक चालू था शायद. तो लीगल लीगल भी चेक करवाना होता है. इतना सब कुछ होने के बाद आपको चलना होता है बैंक में, अगर लोन अप्रूव करना है तो बैंक में आप चले जाते हो लोन अप्रूवल वगैरह, लोन सैंक्शन कराने के लिए. तो ये सारे एस्पेक्ट में कभी कभी टाइम लग जाता है. तो जो ओनर होता है इस प्रॉपर्टी का, ओनर वो तो इतने दिन नहीं रुकेगा ना जब तक आप ये सब टाइम पास कर रहे हो. ओनर तो नए नए टेनेंट या नए नए प्रोस्पेक्टिव बायर को ये प्रॉपर्टी दिखाता रहेगा. इसकी क्या गारंटी है कि ये प्रॉपर्टी आप ले लोगे और वो दे देगा, या आपकी जो डील है जिस अमाउंट पे डील फाइनलाइज हुए, चलो 2 करोड़ पे फाइनलाइज हुई है, तो इसकी क्या गारंटी कि वो डील फाइनलाइज माने? तो डील फाइनलाइज मानने के लिए आपको मुंबई में स्क्रीन बंद हो रहा है, आपको मुंबई में देना होता है टोकन. ये वर्ड सुना है आपने, टोकन? गाइज आपको ये वर्ड पता है, टोकन? टोकन नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा ना यहाँ पे. मेरा कनेक्ट करो सर. बोले यस, रिप्लाई में आ रहा है यस. आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू गाइस. हमने ना लोकेशन चेंज किया हमारा कार का, क्योंकि इवनिंग साइड पे वहाँ पे सनलाइट ज्यादा आता है तो ज्यादा गर्म होने वाला था, और आपको बहुत ही लाइटली मेरे बैकग्राउंड में दिखता होगा. तो हमने वहाँ पे अभी जो हमारा बैकयार्ड था वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, नांगर इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, प्लॉइंग, जुताई प्लॉइंग, ठीक है ना, वो सारी बात हम कर रहे हैं. तो क्योंकि हम कुछ वेजिटेबल गार्डन बनाने का ट्राई करें हमारे बैकयार्ड को, तो कुछ वहाँ पे कम चल रहा है एग्रीकल्चर का. सो वी हैव टू, हाँ दिखा दो सर, वो भी आ रहा है ना पीछे, बेल, बेल आ रही है. तुम लोगों को दिख रहा है बेल? दिख रहा है बेल? वो टेंट हमारा दिख रहा है यहाँ अदर लटक रही है. हाँ तो वो हमारा बैकयार्ड है, देखो ये एनिमल्स होते हैं. दादा आगे चला गया थी. तो कैमरा क्या आगे चला जा रहा है, मैं पीछे गया अभी. उधर वो देख, पता चला ये लोग लेकर गए तेरा कैमरा, अंदर ले. अच्छा अच्छा, ये लोग दोस्त है सर मेरे. गाड़ी फोड़े है छे, और गाड़ी फोड़े गया देखो नहीं तेरे पास इतना अन्ना इतना वही हुआ त्यांना आता वळतील हा मग आता इकडे नको हितूनच वळवा पाठीमागे तेवढं पुरं हा तेवढं पुरं इथे लावायच लागणार गाडी हा लेक्चर चालू असलं की इथून 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 आम्हाला आतमधून लाईट भेटते हा हा तसं आहे असं देत आपको आता है क्या चलाने को सर हल नहीं अगर हल चलाने आता होता तो मैं लेक्चर नहीं लेता ना मैं हल चलाता होता क्योंकि मेरे पास बैल भी बैठे हैं आगे सर देखो लड़की हंस रही है सर हमारे हंसेगी ना तुम बैल लोग हो तो
लोग सुधर जाओ ना। राहुल गाय नहीं है, गाय नहीं हमारे पास, हम गाय नहीं रखते। पांडा गाय है ना, पांडा गाय नहीं, पांडा हमारे यहाँ पे गांव में ना गौरेड़ा करके एक वाइल्ड बुल होता है। बुल बुल बड़े साइज का होता है वो, लार्ज। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। बात ये हो रही थी अपनी कि ये जो टोकन दिया जाता है मुंबई में, आप समझो ये टोकन इस चीज की गारंटी होती है कि सर ये डील फाइनल है, ठीक है ना। दो लीगल एस्पेक्ट में टेक टाइम, बैंकिंग वगैरह करने के लिए टाइम लग जाएगा, लेकिन हम अभी मान के चलते कि ये टोकन फाइनल है और ये जो ट्रांजेक्शन है वो फाइनल है। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का टोकन कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, जरा बताओ मुझे, जिनको इंडस्ट्री का नॉलेज है प्लीज टेल मी दिस। जो प्रॉपर्टी का डीलिंग 2 करोड़ पे होना चाहिए उसका टोकन दिया जा रहा है अभी, ठीक है ना, एज अ एश्योरेंस दैट दिस डील इज फाइनल, तो कितना कितना होना चाहिए टोकन, बोलो। कुछ लिख नहीं रहे हो तुम लोग, आर यू एबल टू हियर मी? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। 30-40 लाख नहीं, ज्यादा होता है अथर्व। चलो मैंने यहाँ पे ना ले लेता हूँ 5 लाख सीधी राइट आंसर है। 1 करोड़ 2-3% तो टोकन देना पड़ता है, तो 5 लाख रुपीज इज द राइट नंबर, ठीक है ना, रीजनेबल नंबर है। जितना टोकन आपने दे दिया, 5 लाख रुपए का टोकन दे दिया, अब आगे जाके 2 बातें होगी। अच्छा ये डेट ऑफ ट्रांसफर है क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी टोकन का, इज इट अ डेट ऑफ ट्रांसफर, टोकन दिया ट्रांसफर हो गया क्या प्रॉपर्टी टोकन देने के बदले? नहीं, खाली टोकन दिया, आप समझ रहे हो ना। तो जिसने लिया है प्रॉपर्टी उसको उसने खाली एश्योरेंस के लिए दिया है 5 लाख रुपए। जिसने सेल किया है या जो सेल करने वाला है, ही इज नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स ऑन दिस 5 लाख रुपीज, क्योंकि ये खाली एडवांस लेके रखा है, उसकी लाइबिलिटी है। 5 लाख रुपए इज लाइबिलिटी, ही कांट यूटिलाइज दैट मनी अनलेस एंड अंटिल द अग्रीमेंट इज फाइनल, ठीक है ना। तो ये फाइनल नहीं है, खाली इनिशिएशन की बात हुई थी। तो आगे जाके 2 बातें हो सकती है, या तो ये डील फाइनल हो जाएगी, फाइनल होने के बाद जो बैलेंस मनी है, ठीक है ना, बैलेंस अमाउंट है 195 लाख, वो पे हो जाएगा। और जिस दिन ये बैलेंस अमाउंट पे होगा और ट्रांसफर होगा उस दिन इसको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये तो एक बात हो गई, ये तो बात मैं बता ही नहीं रहा था आपको, मैं ये बात बता रहा था कि कभी कभी आगे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। टोकन दे दिया लेकिन बाद में कैंसिल हो जाता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, कैंसिल हो गया हो गया। अब कैंसिल होने के बाद 2 बातें हो सकती है, या तो वो टोकन रिटेन करेगा या टोकन रिफंड करेगा। प्रणल सकपाल, रिफंड करेगा, ठीक है ना। अगर रिफंड किया तो मैटर सॉल्व, क्योंकि 5 लाख रुपया लिया था, 5 लाख रुपया रिटर्न दे दिया। लेकिन अगर टोकन अगर रिटर्न रिटेन्ड करेगा, आप समझ रहे हैं, मतलब टोकन ही रिटर्न नहीं देगा, 5 लाख रुपया एडवांस लेके रखा है बायर से, और बायर ने आके बोला नहीं नहीं वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं लेनी, और ओनर का 2-3 महीना उसने वेस्ट किया था, तो इंडस्ट्री पार्लन के हिसाब से ये 5 लाख रुपया ही नॉट सपोज टू रिटर्न, ही कैन यू नो फोरफिट दैट पर्टिकुलर एडवांस। तो यहाँ पे फोरफिट करके वर्ड आता है, फोरफिट मतलब समझते हो ना आप, ये आप लोगों ने वर्ड सुना होगा बचपन में जब छोटे थे, इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल में, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, बरोबर ना। तो फोरफिट कर दिया, पकड़ लो आपने वो एडवांस अपने पास रख लिया, तो आप खुश हो कि नहीं इसको, इस चीज को लेके? प्रॉपर्टी भी नहीं देनी पड़ी, प्रॉपर्टी भी नहीं गई, और डीलिंग भी कैंसिल हो गया, और 5 लाख भी आपने रख लिया, तो इजंट इट अ इनकम फॉर यू? फोर फीचर आपके लिए इनकम है कि नहीं है, बोलो। फोर फीचर इनकम है कि नहीं है, बोलो। मैं तो जानता हूँ।
सर आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क बहुत लूज हो गया था अभी। अभी चालू हुआ। ओके पाशा को शायद ऐड करने बोल रहा था पांडा, मैंने ऐड कर दिया है, वेटिंग लिस्ट पे अभी कोई नहीं है, 36 पार्टिसिपेंट ऐड हो चुके अभी तक। ओके तो सी क्या होता है यहाँ पे, ये फोर फीचर होने के बाद देर आर टू सिचुएशंस हियर। पहले तो ये फोर फीचर आपके लिए फायदेमंद था कि नहीं था, पहले वो बताओ, बताओ मुझे आप फायदेमंद हो कि नहीं। आपने फोर फीचर फायदे में है, तो फायदे में तो अपने को बात किसकी करनी चाहिए, अभी टैक्स ट्रीटमेंट की बात करनी चाहिए। तो टैक्स ट्रीटमेंट किसके ऊपर डिपेंड है पता है, वेदर यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर फोर फीचर एज अ कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना, ये बात आपको मुझे बतानी पड़ेगी। इज इट अ कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? जो आपने प्रॉपर्टी का एडवांस दिया था पाशा लेट आया था, सुनो जरा, हमारी एक प्रॉपर्टी कैपिटल रिसिप्ट, हाँ देखो ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी जो हमें सेल करनी थी, उसका बात हुआ एक बायर से, 2 करोड़ में वी वर सेलिंग द प्रॉपर्टी, लेकिन उसने बोला थोड़ा टाइम दो, तो हमने टोकन लिया है 5 लाख रुपए का। अब ये 5 लाख रुपए का जो टोकन लिया है हमने, ये आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो कभी कभी हम रिफंड देते तो मैटर खत्म हो जाता है, लेकिन रिफंड यूजुअली नहीं दिया जाता। हमने उसको फोरफिट किया, फोरफिट करने के बाद मैं ये पूछ रहा हूँ कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, तो कुछ बच्चों ने बोल दिया कैपिटल और कुछ लोगों ने यहाँ पे चैट में भी लिखा है कैपिटल। अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है तो कैपिटल गेन में टैक्स होना चाहिए, और कैपिटल गेन में तो तभी टैक्स हो सकता है जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है, और मेरा तो अभी तक कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो कैपिटल गेन में टैक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट ऐसा नहीं कि हर एक कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल है ना इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में तो वही कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल है जो कैपिटल असेट ट्रांसफर करने के बाद मिली है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं, खाली बात हुई थी, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, इसलिए सेक्शन 51 लाया गया था। इसलिए क्या लाया सेक्शन 51? सेक्शन 51 क्या बोलता है कि सर अगर आपने मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ लिखने से अच्छा है ये देखो, एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड। ओके ये बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी ऐसे मैंने याद रखने के लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक टैक्स मैनिपुलेशन पॉसिबल था, जो मोदी अंकल आते ही उन्होंने लॉ को अमेंड किया और उन्होंने इस सेक्शन को रेक्टिफाई कर दिया काइंड ऑफ। तो बिफोर 1/4/2014 याद रखना है, आपको ये तो पता होगा मोदी अंकल ने जो कमांड ली थी देश की वो 2014 में ली थी, तो 2014 की डेट याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ बिफोर मोदी, देखो क्या सिचुएशन है। तो इन्होंने बोला था कि रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट, रेड्यूस इट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट का मतलब है, और आगे कंडीशन भी देखो क्या है, रेड्यूस ओनली इफ फोरफिटेड बाय करंट ओनर, रेड्यूस ओनली इफ फोरफिटेड बाय करंट ओनर, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन था। तो लॉ तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो उन्होंने क्या बोला है मुझे कि इसको फोरफिट करो, और फोरफिट करने बोला है, फोरफिट करने के बाद इसको क्या बोला है, रेड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट। सर ये कैसे चलता है, तो पकड़ लो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट ऑफ असेट था वो 25 लाख रुपया था, मान के चलो 25 लाख वाज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और 2001 में मैंने प्रॉपर्टी ली थी, 2001 में ये प्रॉपर्टी ली थी, और इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख था समझो, तो अभी और मैंने अभी इसको सेल नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन कोई नया बायर है मैंने उसको सेल कर दिया, तो कैसे ट्रीटमेंट मिलेगा आप देखो, कोई नया बायर था उसको मैंने सेल किया फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 220 लाख में, ठीक है ना, मैंने सेल कर दिया नए बायर को, इस बायर का तो कैंसिल हो गया तो नए बायर को मैंने 220 लाख में ट्रांसफर कर दिया, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस पकड़ लो 2 लाख ले लेता हूं मैं, ज्यादा नहीं लेता, आगे चलते तो 218 लाख मेरा नेट कंसिडरेशन हो गया। नेट कंसिडरेशन में से मुझे माइनस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, कॉस्ट यहाँ पे लिखना पड़ता है, मेरा कॉस्ट कितना था 25 लाख, उसमें से मैंने फोर फीचर कितना किया 5 लाख, तो इसको माइनस किया मैंने, उन्होंने बोला था रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैंने रेड्यूस किया, और फिर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा 289/100 289/100, तो इसको अगर मैं 20 लाख को इनटू 289
2.89 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वैल्यू आता है 5.57 लाख माइनस तो कैपिटल गेन मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 160 लाख। आप लोगों को ट्रीटमेंट समझ में आई? कोई पब्लिक अपने यहाँ पे ऐड हो रही है, प्रिया और समृद्धि। ये मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ, आप लोगों को ट्रीटमेंट समझ में आई क्या कि क्या करना होता है? एडवांस अगर फोरफिट किया होता है, फोरफिट अगर करोगे तो आपको माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। इतना सिंपल बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। टोकन अगर आपने लिया होगा और अगर आपने प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर नहीं की है, किसी और सेलर को, किसी और बायर को ट्रांसफर की है, तो प्रीवियस जहां पे जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उतना टोकन आपको फोरफिट करना है। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल रिसिट था, इसको टैक्स करने का और कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने बोला कॉस्ट कम कर दो, असेट का कॉस्ट कम कर दोगे तो इनडायरेक्टली तो टैक्स कर ही दिया ना आपने, मेरा डिडक्शन कम कर दिया, डिडक्शन कम कर दिया मतलब टैक्सेशन बढ़ा दिया। इज इट क्लियर? ओके, तुम्हें क्या लगता है, इतना छोटू सा सेक्शन है, 4 लाइन का सेक्शन है, इसको यूज करके क्या टैक्स मैनिपुलेशन किया जा सकता है? नहीं क्लिक होगा तुम लोगों को, तो मैं जरा आपको बता देता हूं क्या होता है। अभी देखो टैक्स मैनिपुलेशन कैसे होता है। अब अपने क्लास का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। वैसे तो राज सर मेरे सीनियर है एंड मेरे एम्प्लॉयर भी है, लेकिन फिर भी आई हैव ऑल राइट टू कॉल हिम माय फ्रेंड नाउ। तो अंडरस्टैंड वी आर अ फ्रेंड, मी एंड राज सर इज अ फ्रेंड, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, उनको आज फोन किया, पकड़ लो, और मैंने उनको बोला सर वो ना मुझे ना आप ना 2 लाख रुपया दे दो सर, ठीक है ना। ये 2 लाख जो है ना मेरी प्रोफेशनल फीस है, आपकी बैच पढ़ाने की, पकड़ लो 2 लाख रुपया प्रोफेशनल फीस है। और मैंने उनको बोला वो 2 लाख रुपया दे दो, लेकिन अगर उन्होंने 2 लाख रुपया दे दो प्रोफेशनल फीस मुझे दे दी तो ये मेरे पीजीबीपी में टैक्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए बिजनेस इनकम है। इतना तो क्लियर है आप लोगों के लिए। 2 लाख रुपीज अगर मैंने प्रोफेशनल फीस ले ली तो मेरे पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। मुझे टैक्स भरने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से फिनांस जो हमारा है वो टाइट हो चुका है, ठीक है ना। तो आई वॉन्टेड टू सेव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स, तो मैंने उनको बोला सर नहीं नहीं ये फालतूगिरी हम नहीं करेंगे, इसको प्रोफेशनल फीस भी नहीं बोलेंगे, आप ना मुझे 2 लाख रुपया दे दो एडवांस फॉर माई प्रॉपर्टी, एडवांस मनी दे दो मुझे, एडवांस मनी दे दो। मेरा बाइंडर में घर है, वो घर अब मान लो कि आप परचेस करने वाले हो, उसका मुझे क्या कर दो, एडवांस मनी दे दो। सर ने, सर को क्या फर्क पड़ता है, 2 लाख रुपए तो देने थे उनको, अब वो एडवांस मनी बोल के दे, प्रोफेशनल फीस बोल के दे, ऑडिट फीस बोल के दे, डोनेशन बोल के दे, वो तो मेरी और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैंने बोला मुझे एडवांस मनी करके चाहिए, उन्होंने दे दिया। लेकिन क्या सच में ये एडवांस मनी है प्रैक्टिकली? नहीं, ये सच में एडवांस मनी नहीं, तो मेरी प्रोफेशनल रिसिप्ट है, बैकग्राउंड आपको याद रखना है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो मैं 1 महीने बाद सर को रिमाइंडर भेजूंगा, सर वो आपने बैलेंस 98 लाख नहीं दिए, ठीक है ना। बैलेंस 98 लाख मतलब वो प्रॉपर्टी, मुंबई की प्रॉपर्टी लेनी थी ना आपको, तो सर तो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो प्रॉपर्टी लेनी नहीं है। तो मैं सर को बोलूंगा ठीक है मैं आपको एक मेल लिखता हूँ कि बैलेंस 98 लाख इज ड्यू इन नेक्स्ट वीक, 1 वीक, आप मुझे वो पेमेंट कर दो। आप उस मेल को रिप्लाई कर देना, वी आर नॉट एबल टू पे दैट बैलेंस 98 लाख, ठीक है ना। तो सर ने रिप्लाई कर दिया जैसे मैंने बोला था वैसे, कि वो बैलेंस 98 लाख वी आर नॉट एबल टू पे। तो मैंने फिर सर को उस मेल का रिप्लाई लिखा, सर देखो अगर आपने पे नहीं किया ना तो आपने जो पहले 2 लाख रुपीज दिए थे ना मैं उसको फोरफिट कर दूंगा। सर ने रिक्वेस्ट किया, नहीं नहीं, फिर उनको रिक्वेस्ट में लाया, नहीं नहीं ऐसे मत करो, आप वो जो पहले जो 2 लाख रुपए दिए थे ना उसको आप प्लीज रिफंड करो, आप सिचुएशन समझने का ट्राई करो। मैंने उसका रिप्लाई दिया सर को, सर और 10 दिन देता हूँ आपकी सिचुएशन समझ के, वो बैलेंस 98 लाख रुपया दे दो, प्रॉपर्टी ले लो और खत्म करो ट्रांजेक्शन। फिर उन्होंने बोला नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया, फाइनल नोटिस दिया, अभी मैं आपको फाइनल 15 डेज दे रहा हूँ, इफ यू डोंट पे बैलेंस मनी इन फाइनल 15 डेज आई विल फॉरफिट योर एडवांस, आई विल नेवर रिटर्न दिस पर्टिकुलर मनी। सर ने वैसा कुछ एक्शन लिया नहीं और आगे जाके मैंने उनका 2 लाख रुपीज फॉरफिट कर दिया। 2 लाख मैंने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया।
अब इन्हें जब 2,04,000 कर दिया तो आप समझो टैक्स ट्रीटमेंट क्या है इसकी, रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 10,00,000 रुपए हम पकड़ लो मैंने पहले ली थी, लेकिन वो रेड्यूस कब होगी, जब ये प्रॉपर्टी किसी को सेल करूंगा। आपको पता है मैं ये प्रॉपर्टी सेल ही नहीं करूंगा कभी, मेरी जिंदगी में कभी सेल नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं सेल कर दूंगा तो ये रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, मुझे प्रॉपर्टी थोड़ी ना क्या सेल करनी है। मैंने तो अपना पीजीबीपी का इनकम कैपिटल रिसीट बना के लिए लिया, दिख रहा है आपको, वैसे ही क्या होगा नेक्स्ट ईयर, पकड़ लो और कोई क्लासेस है, कल्याण का एक क्लासेस है उनके साथ मैंने ये डीलिंग करा ली, नेक्स्ट ईयर मैंने वो केरला के क्लासेस के साथ डीलिंग करा ली, उसके नेक्स्ट ईयर मैंने बैंगलोर के क्लासेस के साथ डीलिंग करा ली, ऐसे मैंने हर साल ना किसी के यहाँ से एडवांस लेके मैंने उतने के ऊपर टैक्स नहीं भरा, और गवर्नमेंट वेट करा है कि एक दिन ऐसा होगा कि फाइनली प्रॉपर्टी सेल करेगा और उसके कॉस्ट में से मैं रिड्यूस करूंगा, जबकि मैं सेल ही नहीं करूंगा। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, टैक्स की चोरी कैसे हो रही थी? आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो आगे चल रहा हूं मैं सर, लेकिन अगर आपके ऊपर सिचुएशन खराब आई, आपको फाइनली ये प्रॉपर्टी सेल करना ही पड़ा मजबूरी में, तो क्या करोगे? तब तो फंस जाओगे ना सर? नहीं फंसूंगा भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी पहले मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट करूंगा, टाटा टाटा एरी मेरी वाइफ, ठीक है ना, ये मैं प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट करूंगा और वाइफ जो है फाइनली इस प्रॉपर्टी को सेल करेगी। मैंने अगर मेरे वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया तो आप समझो मेरे पे तो टैक्स नहीं लगता, सेक्शन 47 मुझे बचा लेता है। सेक्शन 47 बोलता है ट्रांसफर, ये ट्रांजैक्शन इज नॉट अ ट्रांसफर। और वाइफ जब सेल करेगी तो वाइफ के हाथ में मैंने पहले जितने भी एडवांसेस लेके रखे रहेंगे ना, वो माइनस नहीं होंगे, क्योंकि ये माइनस तभी होते हैं व्हेन द एडवांस इज एक्सेप्टेड बाय द करंट ओनर। ये समझ रहा है, प्रीवियस ओनर ने अगर लिया होगा फोर फीट किया होगा एडवांस, तो माइनस नहीं करना है, माइनस तभी करना है जब करंट ओनर ने किया है। अभी भी तुमको समझा के देखो, चोरी, एडवांस चोरी। यहाँ पे तो प्रॉपर्टी भी बेच दी मैंने, एक तो मैंने बता दिया प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा तो क्या होगा, और प्रॉपर्टी बेचनी भी होगी तभी भी मैं क्या करूंगा आपको मैंने पूरा बता दिया। इतना सा छोटा सा सेक्शन, ये गुजरात राजस्थान वगैरह में ऐसा इसका मैनिपुलेशन होता था ना, पब्लिक कैपिटल गेन टैक्स बिजनेस टैक्स भरता ही नहीं था, ये सब झोल चल रहे थे यहाँ पे। तो मोदी अंकल ने आने के बाद क्या कर दिया इस चोरी को रोकने के लिए, एकदम सिंपल लॉ बनाया, बोला सुनो नालायक बच्चों, वो अगर अभी ऑन और आफ्टर 1/4/14 किया ना, आफ्टर मोदी अगर किया ना तुमने ये धंधे, तो ये जो एडवांस मनी उसको डायरेक्टली टैक्सेबल किया सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9। एक्स को कैसे पढ़ते हैं, 9, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 में डायरेक्टली टैक्सेबल होता है, ऐसा ये सेक्शन लिखा है यहाँ पे। ये समझ में आया आप लोगों को? बताओ प्लीज, डिड यू गेट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, कि मोदी अंकल ने ऐसा क्यों किया? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सीए फाइनल के मॉड्यूल में से, देखते हैं सेक्शन अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। मैं इलस्ट्रेशन 15 ले रहा हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रख देना आप लोग। ले लू क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, लास्ट के 2 मिनट है, फिर से मीटिंग रिस्टार्ट करने में हमें 10 मिनट लगेगा, तो मैं फटक से पढ़ लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख दो, और जो अपना आंसर का बेसिक्स होता है ना, असेसी, लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, एवाई पीवाई, पैन, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, वो सब लिख के रख देना, ठीक है ना। मिस्टर एक्स परचेसेस प्रॉपर्टी इन डिसंबर 1993, आप समझ रहे हो डिसंबर 1993 मतलब 1/4/2001 के पहले, तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा, तो इसका कॉस्ट हो गया 5,25,000। An amount of 1,75,000 was spent on improvement and repair of the property in March 1997. Ye improvement consider karu ya ignore karu? Jaldi bolo. Improvement consider karu ya ignore? Ignore karna padega, kyunki before 1/4/2000 mein, theek hai na? The property was proposed to be sold to Mr. Z in the month of May 2007. May 2007 matlab samajh rahe ho, before Modi.
ठीक है ना, an advance of 40,000 was taken, advance 40,000 was taken, as the entire money was not paid in the time, Mr. X forfeited the advance and subsequently sold the property to Mr. Y in the month of March 2020. तो अभी finally sale हो गया, ठीक है ना, for 52 lakh, ये आपका full value of consideration हो गया. The fair value of the property as on 1/4/2001 is 11,90,000. 11,90,000. तो advance money जो forfeit किया था वो माइनस करना पड़ेगा ना 11,90,000 से, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी 11,90,000 हो गया है. तो 11,90,000 माइनस 40,000 करूंगा तो मेरा जो राइट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है 11,50,000, जिसको इंडेक्सेशन लगेगा. व्हाट इज द कैपिटल गेन चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर एवाई 2021? आप लोग आंसर रफ में निकाल के रख सकते हो, ठीक है ना. ये मीटिंग अभी बंद हो रहा है, बंद होती 10 मिनट ये ले लेगा. प्लीज क्वेश्चन देख लो. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड वी विल मेक अ आंसर टुगेदर. सीसीटीवी कैमरा. आंसर सॉल्व करना चालू करो आप लोग, हाँ, जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा मैं लॉगिन